नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान पर्यावरण एवं सामाजिक विषय विज्ञान के कंबाइंड क्वेश्चंस की अगले भाग में। और यह 11वां भाग है। इसके पहले हम लोग 10 भागों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से आप 10 भाग देख सकते हैं। और ये भी मैं छोटे छोटे भाग ही बनाता हूँ, 50 क्वेश्चंस के आसपास का, कि आप लोगों को रिवीजन में आसानी रहे। एक दिन बैठ के आप सारे भागों का रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं इंक्लूड करता हूँ कि जो जो क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं 2-3 भागों के बाद, जिससे आप अगर लगातार सारे भाग देख रहे हैं तो आप एग्ज़ाम तक में आपके जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100-150 क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपके सारे एकदम जबान पे होंगे, रट जाएंगे। तो सारे भागों को आप सीरियल से केवल देखते रहिए, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं अपने आप आपको याद हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इतना खास लिखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत लिखिए, आप केवल रोज़ का रोज़ मेरे ये जो भी पार्ट आते हैं उनको आप देखते रहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से, इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। दूसरा है, इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचनाकार कौन थे? तो ये हरिषेण थे। तीसरा क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो ये थे बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। चौथा क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन रद्द होने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। छठवां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातःकाल किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के पहले ही दिन प्रातःकाल बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। सातवां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। पूना पैक्ट रट लीजिएगा एकदम, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया था? यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन है, तो कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया था? तो दूसरी बैठक जो 1931 में हुई थी, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, या कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ऐसा कह सकते हैं। दसवां क्वेश्चन है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19(1) के का में ये स्वतंत्रता अंतर्निहित है। 11वां क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इन दोनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो बुलाता राष्ट्रपति है और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। 12वां क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था? तो ये था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। 13वां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाग 3, जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है। तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान के इस भाग को। 14वां क्वेश्चन है, सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। 15वां क्वेश्चन है, किस भारतीय को भारत रत्न तथा निशाने पाकिस्तान
इन दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ये मोरारजी देसाई हैं जिनको दोनों पुरस्कार मिले हैं, भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान। 16वां क्वेश्चन है, महाभारत का मौलिक नाम क्या था? तो महाभारत का मौलिक नाम था जय संहिता। 17वां क्वेश्चन है, तीर्थस्थल कामाख्या मंदिर स्थित है, असम में स्थित है। 18वां क्वेश्चन है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किया था गुरु अर्जुन देव ने। 19वां क्वेश्चन है, एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासकों ने। एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासकों ने। 20वां क्वेश्चन है, महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो ये पल्लवों के शासनकाल में प्रसिद्ध था महाबलीपुरम। 21वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण के लिए आया था। 22 नंबर है, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में था? तो ये था जहांगीर के दरबार में। 23वां क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह का उस समय शासन था जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था। 24 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आर के अंतर्गत इन सभी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गिरफ्तार कर लिया गया था। 25वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? तो ये 1940 में की थी। 26वां क्वेश्चन है, सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायस राय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायस राय थे जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय। सत्ताईसवां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। 28वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक तरीके से 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जानते ही होंगे। और यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो आपको बताना है इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, और जब इसकी दूसरी बैठक हुई थी तो उसमें स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे संविधान सभा के। तो ये दो प्रश्न आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, आप लोगों ने बहुत सारे जो मैंने पिछले क्वेश्चंस पूछे थे सारे जवाब दिए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उम्मीद करते हैं आगे भी आप लोग ऐसे ही मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब देंगे और आप अपनी तैयारी को भी इसी बहाने चेक कर पाएंगे। 29वां क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। 30वां क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो हमेशा रेड अलर्ट रहता है, तो ध्यान रखिएगा, याद करने का तरीका है, रेड अलर्ट रहता है इस वजह से रेड क्लिफ रेखा। रेड का मतलब लाल खतरे का निशान है और पाकिस्तान इंडिया के बीच में खतरा बना रहता है, तो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी। 31वां क्वेश्चन है, मेटूर बांध किस नदी पर बना है? तो मेटूर बांध बना है कावेरी नदी पर। 32 नंबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। 33वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। 34 नंबर है, राष्ट्रीय विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। 35वां नंबर है, ATP का निर्माण होता है माइटोकांड्रिया में। 36 नंबर है, 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल।
37वां क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक AITUC की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बम्बई में की गई थी और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। 38 नंबर है, भारत के अंतिम वायस राय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड माउंट बैटन, आप लोगों को याद होगा। 39वां क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, 1886, 93 और 1906 में। खैर सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इनको, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति, तो इस नाम से भी ये फेमस है। और इन्होंने 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 40वां नंबर है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो ये पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये थे आज के आपके 40 क्वेश्चन इस भाग के। मिलते हैं अगले भाग में नए पार्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।